आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था। स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना न था। गुरुजी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने का कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यह सोचते सोचते आदतानुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई और जब खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलसी के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी ना उठ सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो परंतु तुम में बहुत आलस है।